G5 पे पंकज त्रिपाठी की एक मूवी रिलीज हुई है कड़क सिंह नाम से, जिसमें लीड कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं पंकज त्रिपाठी और उनके साथ नजर आ रही हैं संजना सांघी। इस मूवी की कहानी है सस्पेंस और थ्रिलर टाइप की, जहां पंकज त्रिपाठी की इस मूवी में फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट के ऑफिसर AK श्रीवास्तव की भूमिका निभा रहे हैं और वो एक फाइनेंशियल क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर अचानक एक ट्विस्ट आता है जब पंकज त्रिपाठी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी याददाश्त भी चली जाती है। इस मूवी में पंकज त्रिपाठी की फैमिली में एक बेटी साक्षी और एक बेटा आदि है। साक्षी का कैरेक्टर संजना सांघी प्ले कर रही है। AK श्रीवास्तव की याददाश्त जाने के कारण वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहे हैं और उनपे कई ब्लेम भी लगाए जाते हैं धोखाधड़ी के, लेकिन ये कहानी कहां से कहां मोड़ ले जाती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। और गाइज, पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग तो कमाल की है, वो जिस तरीके से कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं सीरियसली वो काबिले तारीफ है। फिर चाहे वो कॉमेडी का कैरेक्टर हो या फिर सीरियस का। मूवी का नाम कड़क सिंह है क्योंकि मूवी में उनके बच्चे उन्हें कड़क सिंह बुलाते हैं, बिकॉज वो थोड़े से रूड और सीरियस टाइप के हैं। इस मूवी में स्टोरी सस्पेंस टाइप की तो है, बट बीच बीच में मुझे बोरिंग फील होने लगा था। कहानी आगे बढ़ती है और एक एक लेयर खुलते जाते हैं, फिर एंड में पता चलता है कि इस सारे कारनामों के पीछे किसका हाथ है। अगर आप फ्री हैं तो ही आप इस मूवी को देखिए। वैसे वन टाइम वॉच तो है ये मूवी, बट जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि इस मूवी में बहुत थ्रिल और सस्पेंस देखने को मिलेगा, वो सब नहीं था। मुझे पर्सनली पंकज त्रिपाठी की मूवीज और वेब सीरीज काफी पसंद है उनकी एक्टिंग की वजह से, बट इस मूवी के स्टोरी के हिसाब से ये मूवी मुझे खास अच्छी नहीं लगी। सो गाइज, अगर आपने ये मूवी देखी है तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और ऐसे ही एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।